तहसील सैपऊ के कस्बा बसई नवाब में रोडों की हालत हुई है खराब। सभी जगह टूटी फूटी सड़कें, सड़कों पर भरा हुआ है पानी, कई जगह हो रहे हैं गड्ढे जिससे आने वाले राहगीरों को होती है परेशानी। आए दिन मोटरसाइकिल गिर जाती है, कहीं पानी से रपट कर गिर जाते हैं लोग तो कहीं पर गड्ढों की वजह से गिर जाते हैं। पैदल आने जाने वालों के लिए काफी परेशानी होती है जो कि प्रशासन को नजर नहीं आता, ना ही PWD वालों को नजर आता है। कई सालों से ऐसे हालात बने हुए हैं, उसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं किया गया। दुकानदारों का कहना है कि इस रोड खराब होने के कारण हमारी दुकानों पर ग्राहक भी नहीं आते हैं। PWD वालों से एवं सरकार से सरपंच साहब से आग्रह है कि रोड को जल्दी से बनवाया जाए ताकि आने जाने वाले राहगीर एवं गांव की पब्लिक परेशानी से मुक्त हो सके। ये पानी जो भरा हुआ है उसकी शिकायत 181 पोर्टल पर हमने कम से कम 30 बार कर चुके हैं, मगर अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। और किसी भी बच्चों को आने जाने में कोई परेशानी होती है, जब हिट का एग्जाम हुआ था जब अपने अपने बच्चे पर लोग वालों ने यहाँ मरम डलवा रखी है, मगर अभी तक PWD द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और आम लोगों को बच्चों को इतनी परेशानी होती है, इसका अनुभव आप लगा सकते हैं कि पानी हो जाता घर का चला जाता है। इससे हमने कम से कम 30 बार शिकायत कर चुके हैं पोर्टल पर, अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये बड़े बड़े ट्रक जो निकलते हैं उनसे और आम जन में होने वाले समस्या, आगे जाम भी लग रहा है, आगे जाम भी लग जाता है पानी की वजह से, आगे भी पानी भर रहा है, वालों को काफ़ी परेशानी आती है, इससे टू व्हीलर वालों को काफ़ी परेशानी आती है। और ये जो समस्या है वो कई दिनों से चली आ रही है, मगर अभी तक किसी ने इसके बारे में नहीं सोचा है। तो सरपंच से नहीं बोला गांव से, सभी सरपंचों को बोल दिया है, यहाँ तक कि विधायकों से भी इसकी सूचना दे दी गई है, मगर PWD के ऊपर डालकर ये लोग तो बचाव के तौर पर और अपने ऊपर से हटा देते। R9 भारत के लिए वीरेंद्र सविता की रिपोर्ट, धौलपुर से।